अभिषेक फ्रॉम अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। आइए बात करते हैं इस वीडियो में हॉट टॉपिक हाउ टू लर्न बेसिक मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको बेसिक मैथ्स कौन कौन सा सीखना है, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या है बेसिक मैथ में, और बेसिक मैथ्स सीखने में आप मैथमेटिक्स कितना दिन में ख़त्म कर पाइएगा, तो ये सब कुछ का आपको मिलेगी जानकारी इस वीडियो में। और मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में कि आपको कहाँ से कोचिंग करके बिल्कुल एक महीने के अंदर पूरा मैथमेटिक्स आप कवर कर सकते हैं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इसी बात पे एक वीडियो, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बात करते हैं, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सब कौन सा पॉइंट है आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले कि बेसिक मैथमेटिक्स है क्या। बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा सा शब्द है एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जिसको कि कुछ भी नहीं आता मैथमेटिक्स में, उसको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं आता हो, उसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बचपन से किस तरह से होती है पढ़ाई, वो तो उतना जिम्मेदारी सद का कोई स्टूडेंट पढ़ नहीं पाते, लेकिन अभी पूरी जिम्मेदारी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, तो इसके लिए मैथमेटिक्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैथमेटिक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेसिक मैथमेटिक्स में आपको क्या सब सीखना है, कौन सी बात पर ध्यान देना है, कैसे सीखना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आगे देखिए, तो देखिए सबसे पहले कि बेसिक मैथमेटिक्स में, उससे पहले जाने पूरा मैथमेटिक्स को, मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर को बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो सभी लोगों को पता है, पूरा दुनिया ट्रिक्स के पीछे जा रही है कि वो सब लोग लगता है ट्रिक्स पे बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और सब क्वेश्चन बन जाएगा। तो देखिए, ट्रिक्स आपके दिमाग को कमज़ोर बनाती है, ट्रिक्स पे आपको ध्यान नहीं देना है, ट्रिक्स आपको एक भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पूरा मैथमेटिक्स एक महीने में ख़त्म भी हो जाएगा, आप हमारे इस तरीकों को मान लीजिएगा। तो देखिए, थ्री स्टेप चैप्टर प्रेस, किसी भी चैप्टर को हमको बनाना है तो इसके लिए हम डेवलप करेंगे तीन स्टेप, हम तीन स्टेप आपको देंगे, उस तीन स्टेप को आपको फॉलो करना है, फिर आपको वो चैप्टर बन जाएगा पूरा पूरा। तो देखिए किस तरह से, जैसे आपको बनानी है परसेंटेज चैप्टर, या फिर बनानी है आपको मेंसुरेशन चैप्टर, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का चैप्टर आपको बनाना है, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा तीन स्टेप। वो तीन स्टेप में सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी चैप्टर बनाना है उस चैप्टर आपको इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक मिलेगा एक डिफिनेशन, और उस डिफिनेशन में से एक निकला हुआ एक छोटा सा फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पे वो पूरा चैप्टर बनेगा जिस जो चैप्टर आपको बनाना है। जैसे आपको लॉस एंड प्रॉफिट बनाना था, लॉस एंड प्रॉफिट का सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला, उस फॉर्मूला पूरा लॉस एंड प्रॉफिट चैप्टर बन जाएगा। परसेंटेज चैप्टर बनाना है आपको, उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, परसेंट के सिंबल का मतलब होता है 1/100, इसी छोटा सा कॉन्सेप्ट पूरा आपका पूरा परसेंटेज चैप्टर बन जाएगा। तो ये रहा तरीका, तो इंट्रोडक्शन। नंबर टू है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स का पूरा लैंग्वेज जानना होगा, और पूरा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आपको दो स्टेप मिलेगा। वो दो स्टेप क्या है, क्वेश्चन में आपको दो चीज़ें मिलेगी, एक क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, ये बात आपको जानना होगा, कोई भी चीज़ को आपको मिस नहीं करना होगा। जो दिया हुआ है उसके मदद से, जो पूछ रहा है उसको निकालना है कहाँ से, तो इंट्रोडक्शन जो आपने पढ़ा था उसके। तो जो दिया हुआ उसको बेसिक फॉर्मूला पर लाइए, उसको माइंडली कैलकुलेट करके आंसर तक पहुँचा दीजिए, ये रहा आपका लैंग्वेज। और तीसरी जो चीज़ है वो है कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलेशन। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कैलकुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम को, मतलब मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को करना आप पेपर और पेन पे बंद कर दीजिए। आप पेपर और पेन पे या कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कभी नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन जो भी करना आपको स्टार्टिंग कीजिए बिल्कुल छोटा से, 4+5=9, 9+10=19, इस तरह के बिल्कुल छोटा छोटा से स्टार्ट कीजिए। और एक क्वेश्चन में आपको 20 से 25 कैलकुलेशन करने को मिलेगी, और एक से 10 क्वेश्चन बनाइए, फिर उसको रिपीट कीजिए, तो कैलकुलेशन आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, बहुत ही जल्द इंप्रूव होगी। तो ये टॉपिक का भी वीडियो यदि आपको चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करके बताइए कि हमको इस टॉपिक का वीडियो चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ कि कैसे कैलकुलेशन को बहुत फास्ट किया जाए, वैसे में आएगा वीडियो ये सब भी। तो फिर देखिए, तो आपको
जो करना है मैथमेटिक्स का, जो कैलकुलेशन का तीन स्टेप में जो तीसरा जो स्टेप है वो है कैलकुलेशन। आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट करना है तो आपको माइंडली कैलकुलेट करना सीखना होगा, और स्टार्टिंग कीजिए उसका, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ऑटोमेटिक हो जाए क्लियर। लेकिन वही है कि इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको एक महीने पूरा चैप्टर खत्म करना, पूरा मैथमेटिक्स खत्म करना है, वो सब कुछ बता रहा हूँ। देखिए उसका फिर देखा वो जो चैप्टर बेसिक चैप्टर मैथमेटिक्स का बेसिक जो चैप्टर है वो चैप्टर सबसे पहला जो है वो सबसे पहला चैप्टर है परसेंटेज। परसेंटेज चैप्टर है मैथमेटिक्स के 75% चैप्टर को आपको बनाना अच्छी तरह से, तो आपको परसेंटेज पे अच्छी तरह से पकड़ होना चाहिए। और वैसे भी परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, मैंने देखा है परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पूरा मैथमेटिक्स का पूरा सार है। यूँ समझिए परसेंटेज अगर सीख गए तो आप समझिए कि 50% मैथमेटिक्स सीख गए, क्योंकि परसेंटेज से आपको कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, परसेंटेज से आप मैथमेटिक्स का लैंग्वेज सीख जाएगा और परसेंटेज में का इंट्रोडक्शन। तो बस आपको क्या करना होगा, परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, यूँ समझिए सभी चैप्टर का हीरो है परसेंटेज चैप्टर। सीखने वाला आप मैथमेटिक्स सभी चैप्टर के लैंग्वेज सीख जाएगा और सभी चैप्टर को कैलकुलेट करना सीख जाएगा, इक्वेशन बनाना सीख जाएगा। बस आपको इसके बाद क्या जरूरत पड़ेगी, सभी चैप्टर का इंट्रोडक्शन जान लीजिए और पूरे चैप्टर को खत्म कर दीजिए, कोई भी ट्रिक आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको परसेंटेज चैप्टर है, उसका नंबर टू है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति, यानी नंबर्स को आपको जानना पड़ेगा, कौन सा यौगिक संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा सम संख्या है, कौन सा विषम संख्या है, इसके बारे में। इसके बाद आपको इसको यदि जानना है तो फिर आपको LCM SCF बनाने में आसानी होगी, उसका फिर एवरेज चैप्टर बनाने में आसानी होगी, बहुत कुछ। तो नंबर सिस्टम जानना है। फिर देखिए अलजेब्रा, तो अलजेब्रा आपको जानना जरूरी, कैलकुलेशन को आसान बनाता है अलजेब्रा, कैलकुलेशन को आसान बनाता है अलजेब्रा, या फिर जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए और इक्वेशन को आंसर तक पहुंचाने के अलजेब्रा के बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ता है। अलजेब्रा मतलब कि x प्लस वाई बराबर इस तरह की चीज़ें, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हुआ, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ, ये सब चीज़ें। तो ये सब बिल्कुल छोटी सी चीज़ें आपको सब कुछ देखने को मिलेगी स्मार्ट वीडियो कोचिंग में। तो अलजेब्रा रहा, फिर उसके बाद है बोडमास रूल। बोडमास रूल मतलब कि जोड़ घटाओ गुणा भाग कैसे करना है, किसको पहले करना है, क्या करना है। तो इसको सीखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन के राइट हैंड साइड दोनों को मतलब क्या कि मिक्स करके आंसर तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। आपको पता चलेगा बोडमास रूल से बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर ऐड और एस फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाओ। यानी कि सबसे पहले कोस्ट का काम करना है, उसका फिर करना ऑफ का काम, ऑफ मतलब का डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग का काम करना, उसका फिर एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करना है, फिर देखिए उसका फिर ए फॉर ऐड, उसका फिर एस फॉर सब्सक्राइब यानी कि उसका घटाव करना है। तो ये रहा आपका डिवाइड। उसका फिर देखिए डिवाइड रूल बहुत ज़्यादा जरूरी है, डिवाइड रूल यानी कि भाग देने का नियम। तो आप जान पाए कि इस संख्या से इस संख्या को भाग लगेगी या फिर नहीं, आपको ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब कुछ ये बिल्कुल बेसिक सा चैप्टर है, यही बेसिक मैथमेटिक्स है। फिर देखिए ऑल 30 चैप्टर, आपको यदि पूरा मैथमेटिक्स को बनाना है, पूरा ख़त्म करना है, तो आपको जानना पड़ेगा कि पूरा मैथमेटिक्स में चैप्टर एक्चुअल में है कितना। टोटल चैप्टर है 30, 10, 10 और 10, 10 या 30, यानी एक महीने में होते 30 दिन। एक दिन में हम बनाएंगे एक चैप्टर, 30 दिन में पूरा मैथमेटिक्स खत्म। एक चैप्टर को बनाने के लिए बस 3 स्टेप ही चाहिए, कोई भी आपको सैकड़ों हजारों ट्रिक्स को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। और सबके सब क्वेश्चन बनेगा, 60-75% तक क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइंडली बनेगा, ऐसा मैं आपको सिखा दूंगा, ट्रेनिंग दे दूंगा। कैलकुलेशन जो भी करना है आपको माइंडली ही करना है, कैलकुलेशन आपको माइंडली करना है। और सब कुछ का तरीका है, मैं सब कुछ के ऊपर मैं वीडियो ला रहा हूँ बहुत जल्द, तो इस वीडियो को लाइक करके हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फिर देखिए 1 मंथ कोर्स आपको, फिर देखिए इतना चीज़ मैं आपको बताया अभी तक 8 मिनट के अंदर में, तो आपको एक महीने का, सिर्फ और सिर्फ एक महीने का कोर्स मैं देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं और स्टूडेंट का हम टाइम वेस्ट करना चाहते नहीं, क्योंकि हम इस कोचिंग को, स्मार्ट वीडियो कोचिंग को दुनिया का सबसे ज़्यादा फास्ट कोचिंग मैंने बनाया। तो इसको 1 मंथ कोर्स, सिर्फ और सिर्फ एक महीने का कोर्स आप इसको ज्वाइन कीजिए, एक महीने का कोर्स है, स्मार्ट वीडियो कोचिंग का नाम है। व्हाट्सएप पे ये कोचिंग आती है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जैसे पेमेंट करते हैं फिर आपके नंबर को हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो का लिंक, डेली रात में 9 बजे एक चैप्टर के वीडियो का लिंक और मास्टर नोट्स का PDF फाइल प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपको मेरा परसेंटेज का वीडियो लिंक और परसेंटेज के पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उससे रिवाइज कीजिए और वीडियो को बस एक बार देख लीजिए, फिर आगे दूसरा चैप्टर मिलेगा, तीसरा चैप्टर मिलेगा, सबका रिवाइज करते रहिए, सबका प्रिंट आउट ले लीजिए और सबका रिवाइज करते रहिए। एक बार यदि आपने मेरे नोट्स को बना लिया
तो आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को बिल्कुल बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, लगेगा कि यार यार ये तो कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक महीने का समय हमको दीजिए, आपको खर्च करना पड़ेगा ओनली 500 स्मार्ट वीडियो कोचिंग में ज्वाइन करने के लिए, और फिर आप मास्टर नोट्स पीडीएफ आप ले करके आप बिल्कुल आसानी से बना सकते। डेली आपको एक चैप्टर करना है, कोई चैप्टर देखिए डेली आपको नया पे नया बैच खुलता है, नया बैच में हम नए नए लोगों का जो भी पेमेंट करते हैं सबका नंबर को ऐड करते हैं, फिर सबको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, फिर आप एक महीने में पूरा मैथमेटिक्स सीख जाते हैं, फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी एग्जाम को निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा ताकि मैं अगला वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड कर सकूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आता है तो हमें रिकॉर्डिंग करने में बहुत सुविधा होती है, हमको लगता है लोगों को हमारे वीडियो पसंद आई हो। यदि आप लाइक नहीं कीजिए तो हमको पता ही नहीं चले कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा, तो कमेंट सेक्शन थोड़ा सा ऑफ रहती है, और तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी यदि आपको पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, और किसी भी तरह कुछ भी प्रॉब्लम के लिए या फिर आपको चाहिए वीडियो कोचिंग तो आपको प्रोसेस आपको पता ही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपको फिर से मिलते किसी और वीडियो में, और एक बार फिर से मैं बोलूँगा इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।